आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम सिविल लाइंस स्थित एक हॉल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधायक एवं प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा पंकज सिंह ने कहा कि प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने के लिए नौजवान पूरी तरह से तैयार हैं। इतना तो तय है कि भाजपा पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी पंकज सिंह ने कहा, स्थान को ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक आवाज जोड़ेंगे मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी जोरदार नारे के साथ लोग भी खड़े हैं। आप सभी से निवेदन, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय भाई जी मंच पे विराज, राजू जी मंच पे विराजमान है। प्रदेश युवा महोत्सव कार्यक्रम जो आज का हम सभी को आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर हम सभी का दीप प्रज्वलन हो रहा है। आप हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अतिथि के रूप में प्रदेश के सहकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष चंद्र जी का आगमन हुआ। आपको जनपद से आए हुए सम्मानित सब लोग पंडित जी का आगमन हुआ है। गोरखपुर क्षेत्र के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिला पंचायत प्रदान कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय पंकज सिंह जी, माननीय सुभाष यदुवंशी का आगमन गोरखपुर क्षेत्र में हुआ। पार्टी 286 मंडलों में निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे ही अध्यक्ष डॉक्टर आदरणीय राजेश गुप्ता जी हमारे बीच, युवा मोर्चा के प्रभारी क्षेत्र के उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर सतन सिंह जी का अभिनंदन हो रहा। सत्यार्थ मिश्रा जी, उत्कर्ष सिंह जी, अच्युतानंद उपाध्याय जी, विपुल मिश्रा जी के साथ अपने अतिथियों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की कड़ी में माल्यार्पण के लिए क्षेत्र के पदाधिकारी तैयार रहेंगे। हमारे सम्मानीय साथियों, हर्ष का विषय है इतने विधायक व्यक्तित्व के धनी कर्मठी नेता लोकप्रिय विधायक व्यक्तित्व वाले कार्यक्रमों में जाना है। कृपया आप विलम्ब न करते हुए आप सभी तत्कालीन जो उपस्थित है, विद्यामणि सिंह जी, रंजीत सिंह प्रणय जी, मनोज मौर्या जी, ब्लॉक प्रमुख जी, मीडिया प्रभारी अभिषेक मिश्रा जी, कार्यालय प्रभारी सुशील प्रजापति जी, हिमांशु श्रीवास्तव जी, कृपया आप सभी आते जाएं। शीतल मिश्रा जी, अभय सिंह छात्र नेता, छात्र संघ के अध्यक्ष दीपिना स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी पदाधिकारी आज हर्षित हैं। कृपया आप सभी एक बार जो हमारे अतिथियों को जाना जी उपस्थित है, अपने अतिथियों का माल्यार्पण कर कृपया मंच को खाली करें। आप सभी कि संगठन ने प्रभारी के रूप में हमें एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति दिया है। आदरणीय प्रभारी जी को बताना चाहूंगा कि अमृत उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से अगस्त में यह कार्यक्रम को संपन्न किया। मित्रों, आजादी के बाद और सचमुच भारतीय जनता युवा मोर्चा भविष्य की भारतीय जनता पार्टी है, इस देश की धरोहर है। और मैं ऐसे सभागार में आप सबके सामने मैं त्याग तपस्या और साहसियों की भूमि गोरखपुर, ज्ञान विज्ञान कला व्यापार और औषधियों से परिपूर्ण यह भूमि गोरखपुर और पूरे देश के अंदर भारतीय संस्कार और चरित्र के आधार पर शिशु मंदिरों के माध्यम से शिक्षा मिले, देशभक्त नौजवान पैदा हो, पूरे देश में शिशु मंदिरों की रचना, शिशु मंदिर पक्की बाग में 1951 में जहां नाना जी देशमुख ने खड़ी की, ऐसी पवित्र भूमि पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रभारी एक आदर्श संगठक नोएडा के लोकप्रिय विधायक माननीय पंकज सिंह जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और गोरखपुर के जिला जेल में 19 दिसंबर 1927 को उनकी शहादत होती है, फांसी होती है। देना
और जिस दिन लगेगा कि सिद्धांतों से कोई समझौता करने का दिन आ गया, लेकिन वह समझौता कभी जीवन में नहीं करूंगा, लेकिन भले ही राजनीति या कोई भी चीज छोड़ दूं, मैं समझता हूं कि उन्हीं संकल्प उसको बहुत नजदीक से इन सारी चीजों को अपने धर्मेंद्र जी के अंदर मैंने देखा। इसलिए मैं एक बड़े भाई के रूप में भी और एक अच्छे और भविष्य के रूप में भी एक नेता के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं। आदरणीय धर्मेंद्र जी, मेरे साथ यहां पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के निवर्तमान अध्यक्ष और प्रदेश में मंत्री और लगातार युवाओं के बीच में लंबे समय से उनका भी संघर्ष है। मैं जानता हूं कि जब से लगभग हमने भी शुरू किया, लगभग उसी के कुछ समय से वह भी अपनी राजनीतिक यात्रा उन्होंने भी प्रारंभ की है। ऐसे हमारे भाई सुभाष यदुवंश जी, मोर्चा के हमारे प्रिय छोटे भाइयों और बहनों, आज युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में मुझे खुशी है कि गोरखपुर में आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से आने का मौका मिला है। प्रभारी रहते हुए कई विषयों में कई कार्यक्रमों में मिलना हुआ, लेकिन जब पार्टी का प्रभार रहता है तो कई बार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से इतना विधिवत बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि युवा मोर्चा के प्रभारी के रूप में एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ मिलकर साथ बढ़ने का मौका मुझे मिला है, आप लोगों के साथ आगे काम करने का मौका मिला है। नौजवानों के बीच में जब आते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है, नौजवानों के बीच में आने पर सबसे अच्छी बात मुझे उनका उत्साह, उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति, उनकी ताकत, गर्मजोशी, यह सबसे ज्यादा नौजवानों की जो है यह सबसे ज्यादा पसंद किसी को भी आती है स्वाभाविक रूप से। तो नौजवानों ने भी आज पूरी गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, यही ताकत मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यही ताकत अपनी आप बना के रखिएगा, क्योंकि नौजवानों की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई होती है तो अच्छाई को देखने की ताकत, सच्चाई को देखने की ताकत होती है, सकारात्मकता को देखने की ताकत और नकारात्मकता को किनारे करने की ताकत जो आपकी होती है, यही नौजवानों की सबसे बड़ी ताकत होती है। और साथ साथ में जो गलत है उसका मुंहतोड़ जवाब देने की जो ताकत होती है, यही नौजवानों को सबसे अलग करती है। विश्व में बहुत सारे आंदोलन हुए, आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत सारे आपको इंसिडेंट्स ऐसे गिनाए बताए हैं, और विश्व में कोई भी किसी भी देश का बड़े से बड़ा आंदोलन आप उठाकर देख लीजिए, भले ही उसकी अगुवाई, भले ही उसकी शुरुआत किसी बड़े बुजुर्ग ने अपने होश से की हो, लेकिन मैं जानता हूं आप सब इस बात को मानते होंगे कि उन सभी आंदोलनों को अगर धार देने का काम किसी ने किया है तो नौजवानों के जोश ने और नौजवानों की ताकत ने उन आंदोलनों को धार देने का काम किया है। और हमारा उत्तर प्रदेश तो बहुत ऊंचाइयों को, बहुत गहराइयों को देखा है, बहुत सारे सत्ताओं और बहुत सारे साम्राज्यों को उतार चढ़ाव देखा है, पतन देखा है, सरकार बनते हुए देखा है, बहुत सारी चीजों को देखा है। अगर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज जैसे युद्ध देखे हैं तो हमने कुशीनगर वाले अपने गौतम बुद्ध को भी हमारे उत्तर प्रदेश ने, देश ने, विश्व ने देखा है। तो नौजवानों में तो ये ताकत है। और आज मैं आप सब लोगों के बीच में जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे ये ध्यान आता है कि कैसी हालत थी जब 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश की, यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जातिवाद, गुंडागर्दी, अपराध, इन सब बातों का, इन सब चीजों का दंश हमारा उत्तर प्रदेश झेल रहा था, और लोगों के मन में ये इच्छा होती थी कि यह परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। 14 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर है, अब कैसे ये परिवर्तन हम लोग लेकर आएंगे। लेकिन नौजवानों ने अंगड़ाई ली और तय कर लिया कि यह सपा बसपा की, यह जातिवादी और मजहब के नाम पर राजनीति करने वाली सरकारों को हम दरकिनार कर देंगे। और आप सब लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने यह संकल्प लिया और सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों को उत्तर प्रदेश से बेदखल कर दिया मित्रों। और आज ये स्थिति ये आ गई कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि धीरे धीरे देश से तो यह पार्टियां समाप्त हो रही हैं, लेकिन उसके बाद जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां एक ओर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, यह सब लोग उनके लोगों के, गरीबों के, जरूरतमंद लोगों के सपनों को बुन कर उनके सिर के ऊपर छत देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां गरीब मजदूर के बच्चों को तीनों वक्त का खाना मिल जाए, मुफ्त राशन की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, वहीं पर यह सपा बसपा और कांग्रेस के लोग अपने अपने घरों में बैठकर सिर्फ शब्दों का जाल बुनकर ट्विटर और फेसबुक की राजनीति कर रहे हैं मित्रों। और मैं, अब आप लोग देखिए कि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की जनता ने
देश की जनता ने तो इन कांग्रेस और सपा बसपा को अलग कर ही दिया है। अब ये ट्विटर और फेसबुक वाले भी अब धीरे धीरे इनको ब्लॉक करने लगे हैं, वह ट्विटर से भी ट्विटर वाले इनको बाहर करने लगे हैं। ये वक्त आ गया है। आज युवाओं को आपने संबोधित किया, युवाओं की बड़ी संख्या है, 2022 में चुनाव किस तरीके से संदेश दिया? नहीं, युवाओं को यही संदेश है कि एकदम सकारात्मकता को लेकर राष्ट्रवाद का एक अलख जगाने के लिए लोग निकलें और योगी जी की यहाँ पर सरकार बने, मोदी जी के हाथ और मजबूत हों देश भर में, यह संदेश लेकर लोग जाएंगे। सर, दो आगामी चुनाव को लेकर सपा बसपा और ओबीसी भाजपा को रोकने के लिए कह रहे हैं, किस तरीके? देखिए, किसी ने सब ने कई चुनाव अब हो गए, कई चुनाव लोगों ने देख लिया, अब लोग निकल चुके हैं और लोग भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अब निकल चुके हैं और यह संकल्प लेकर कि भारत माता के मस्तक को और ऊंचा करेंगे, ये संकल्प के साथ निकले हैं। इसीलिए अब और कोई छोटी बातें बीच में आती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य यही है कि भारत माता का मस्तक और ऊंचा होना चाहिए और चमकना दमकना चाहिए। सर, सपा के एक विधायक ने, दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए। इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, इस बात का एहसास उन सब लोगों को कराना चाहिए। वो कह रहे हैं गठबंधन के साथ हम लोग सीट पार करेंगे। अब उनको लगता होगा कि इस तरीके की कामों को अंजाम देकर अगर वह वोट पा सकते हैं तो ऐसा वोट उनको ही मुबारक हो। हम सब लोगों को ऐसा वोट चाहिए भी नहीं, अपने को वोट वही चाहिए जो भारत माता की जय बोलता हो।